मालवा बैडले देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे वालों प्यार परी सत श्री अकाल। सो अज की सवेर की जानकारी बहुत ही अहम रखती है तुहाडे लई, क्योंकि एक खुशी की खबर लैके आए, एक नवी भर्ती बारे जानकारी लैके आए हैं, जिस दे विच सिर्फ 10th प्लस 2 तो इस दे सर्टिफिकेट की जरूरत पवेगी, तो नाल ही तुहाडी फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो जिस दे आधार पर तुहानू जिहड़ी इह भर्ती दे विच जॉइनिंग मिलेगी। तो दूसरी गल है, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट दे विचों ही यह भर्ती आ रही है, ठीक है जी। ये 2023 ते 24 दे विच विच तुहानू वेखण नू मिलेगी। ये लगभग 10,000 तो ज़्यादा मतलब कहिंदा पाव रखे जाएंगे मुंडे अते कुड़ियां। इस दा इन्हां दा मेन काम तुहानू सारी वीडियो विच दस्सांगे ते सारी जानकारी देवांगे डिटेल दे विच। वीडियो नू लाइक करो, वध तों वध सबसक्राइब करो, जे अगर तुसीं नवें आए हो ते बैल आइकन प्रेस करना ना भुल्लियो, ते कृपा करके प्लीज़ शेयर करया करो तुसी वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप्स के उत्ते, ताकि उन्हां भैन भरावां तक ये गल पहुँच जाए जिहड़े भैन भरा हजे तक सिलेक्टेड नहीं सीगे, ते हजे तक उन्होंने कहने का भाव आस लाई हुई है भी पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में असी जॉब लेनी चाहनी है। तो दूसरी गल, सब तो अहम वड्डी जानकारी यह है, जिहड़ी एज फैक्टर नूं लै के इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज किया इस भर्ती दे विच। जनरल कोटे नूं 30 साल तक एज मंगी गई है, चाहे मुंडे है चाहे कुड़ियां। OBC SC ST ते इकनोमिक वीकर सैक्शन वाले भैन भरा दी 35 साल तक कहने का भाव 35 ईयरस तक उन्होंने रिजर्वेशन है, कहने का भाव उन्होंने 5 साल की छूट मिली है, हैगी 30 साल की उन्होंने तक भी सी बट रिजर्वेशन होने करके उन्होंने 5 साल एक्सट्रा मिले है। एक्स सर्विसमैन जिहड़े कि जां फिर कोई जॉब करके आए ने कितों, ठीक है जी, उन्होंने जां स्पोर्ट्स कोटे वाले ने उन्होंने 3 साल की रिजर्वेशन दी जाएगी इस जॉब के। हुण जॉब का नाम की है दोस्तों, ये पंजाब पुलिस वालों होमगार्ड की भर्ती जिहड़ी कराई जा रही है, ठीक है जी। होमगार्ड की भर्ती दे विच की है दोस्तों, तुहानू जिवें पता है इस दे विच मैडिकल ते फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़्यादा जरूरत हुंदी है, ना कि पेपर की। पेपर दे विच उन्हां लई हुंदा जिहड़े कि कॉन्सटेबल वगैरह इन्हां ने, क्योंकि इन्हां ने गां मेन अपने कहिंदा पाव केसिस लड़ने होंगे, ASI भी बनना होंगे गा, सब इंस्पैक्टर बनना हो प्रमोशनों तो बाद। बट होमगार्ड दे विच तुहानू पता है सिर्फ घरां दी राखी करनी हुंदी है या फिर VIP परसनस दे नाल रह के उन्हां नू सेफ करना हुंदा, ठीक है जी। होमगार्ड दा ज़्यादा यही काम हुंदे है, तुहानू पता ही है। तो दूसरी गल है दोस्तों, जिहड़ी ये भर्ती है ये जल्द ही तुहानू वेखण नू मिलेगी। इसका जिहड़ा फिजिकल जिहड़ी अपनी स्ट्रेंथ दा क्राइटेरिया की रहेगा वो तुहानू दसदे आ। फिजिकल स्ट्रेंथ दे विच इक तां 1600 मीटर रेस भरावां लई होवेगी, तो 800 मीटर रेस भैणां लई होवेगी। तुहाडी जिहड़ी आईसाइट है वो एक दायरे तक तुहाडी रखी गई है, जिस दे विच तुसीं जे अगर तुहाडी उस दायरे तो घट हुंदी आईसाइट तां तुहानू डिसक्वालीफाई किया जाएगा। तो तीसरी है एक लौंग जंप, एक शॉर्ट पुट, जिहड़ा कि कहिंदे पाओ गोला सुटना हुंदा, आपां गोला सुटना है ते गोला जे अगर किसी का दूर चला जाता है तो कहिंदे पाओ क्वालीफाई है, ठीक है। एक सिस्टम हुंदा सिस्टमैटिक वे नाल सुटना हुंदा, तो लौंग जंप हाई जंप तो डेफिनेटली है, ठीक है जी। तो एक रस्सा चढ़ना हुंदा 15 फुटा, तो कुड़ियां ने चढ़ना हुंदा 12 फुटा, ठीक है। ये रस्सा चढ़ना हुंदा, ये 3-4 चीज़ां तुहाडे तो कराइयां जाणगियां। इस दे विच कहिंदा पाव थोड़ी जी सख्ताई वरती जाएगी ज़्यादा। तो एक होर सपरिंट जिहड़ी स्प्रिंट हुंदी है जिहनूं आपां तेज़ भजना हुंदा, 100 मीटर की स्प्रिंट तुसीं कढ़नी है, इको चांस मिलिया करेगा। हुण ये भर्ती का कारण की है दोस्तों, ये भर्ती विच ना तुहाडे तों इन्हां ने पेपर लेना है, ये सिर्फ 10वीं ते 12वीं सर्टिफिकेट दे विच जिन्ने तुहाडे मार्क्स आए है उसकी मैरिट बनेगी, जिवें कि पोस्ट ऑफिस दीआं पोस्टां विच बंदी हुंदी है उवें ही इस भर्ती विच बनेगी। जिस मेरे भैण भरा दे दोवें नंबरां नूं मिला के वधिया मैरिट बनती है, तो फिजिकल स्ट्रेंथ ते मतलब कहिंदा पाव वधिया पॉइंट्स लै जाता है, तो उत्तों कद काट के भी उस नंबर लगनगे, तो जिस दे आधार पर वह भैन भरा सिलैक्शन हो जाएगी, ठीक है जी। काफ़ी बच्चों यह चीज़ का थोड़ा जा रोस भी होगा भी असी जो 10th प्लस 2 के इन्ना पढ़े नहीं सी, ते साडे तो एग्जाम लिया जाए तो ही असी क्वालीफाई करांगे। दोस्तों 10,000 के करीब भर्ती है, की पता तुसी फिजिकली फिट होवो, कई भैन भरा लंबे कद के नहीं होंगे उन्होंने नंबर भी घट जाएंगे, तो तुहानू मौका मिल सकता है घबराउणा, ठीक है जी। जरूरी नहीं आपां कितें नंबर चो 10वीं प्लस 2 चो नहीं किए तो यह मतलब यही तुसी पिछे रह जाओगे, भर्ती के फार्म जरूर भरीओ। तो दोस्तों ये जिहड़ी भर्ती है तुहाडे लई अहम ये तां रखदी है क्योंकि इसकी ज़्यादा जॉब नहीं हुंदी औखी, ठीक है जी। तुहानू पता ही है एक घर के बाहर बैठ के तुसी एक तुहानू वधिया एक कमरा दिता हुंदा जिस दे विच बाहर बैठ के तुसी आउण जाउण वाले बंदियां दी एक ओह लिस्ट तैयार करनी हुंदी है, जिस दे उत्ते तुहानू पता होवे कौन आया करे कौन गया ते क्यों आया, ठीक है। ये चीज़ां तुसी पता करनियां हुंदियां। दूसरी आपां नूं पता है डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर्स दे नाल जां फिर किसी होर VIP परसनस दे नाल तुसी रहना हुंदा, उहनां दी एक हिसाब दा तुसी एक सुरक्षा ही करनी हुंदी है, तुहाडे हाथ विच एक स्टेन गन वगैरह ये चीज़ा दे देंगे ने जिस दे आधार पर तुसी उन्हां नूं सेफ्टी प्रोवाइड करानी है, ज़्यादा तुहाडा कोई काम नहीं हुंदा। ते बाद तो बाद तुहानूं गल ये तुहाडी एक ट्रेनिंग होया करूगी, ठीक है जी। ट्रेनिंग होने तो बाद तुहानूं हर साल मतलब कहिंदा पाव एक
एक या दो महीने ट्रेनिंग कराया करेंगे, नवीं चीज़ें सिखाया करेंगे जे कोई नवी चीज़ आती है। बाकी तुसी पेंट भराओ हुण तैयारी खिंच दवो इस भर्ती नूं लैके, वध तो वध फिजिकल अपने फिट कर लवो। एज फैक्टर का रोला भी हुण खत्म कर रही है थोड़ी थोड़ी तरीके नाल, ठीक है जी। किसी ना किसी हिसाब नाल हाई कोर्ट तो भर्तियां कढ के तुहाडा जिहड़ा एज फैक्टर का चीज़ है वह सोल्व भी की जा रही है, इंज नहीं गा भी तुहानूं मौका नहीं दिता जा रहा। हुण मेन गल तुसी की है दोस्तों, अपने आप को जरा फिजिकली फिट करो, ग्राउंडा में उतरो। तो दूसरी गल यह है थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ने शुरू कर दो, ताकि जे अगर इस दे विच इंटरव्यू भी हुई, इंटरव्यू दे हजे संभावना तो है नहीं, बट इंटरव्यू जे अगर हुई तो तुहानू थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज होनी चाहिए है, जिस दे आधार पर कहने का भाव तुहाडी सिलेक्शन के जिहड़े चांसिस वध जाण, ठीक है जी। तो न्यूज़ वगैरह डेली पढ़िया करो, हरेक मतलब कहने का भाव हरेक डिस्ट्रिक्ट हरेक स्टेट का तुहानू गवर्नर जनरल सारे मतलब पता होण, ठीक है जी। उत्थों दे सीएम, ठीक है, पीएम, ये चीज़ें सब पता होवे किहड़ी चीज़ कित्थे है, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी जनरल जीके का कुछ भी पूछ सकते हैं। जेकर इंटरव्यू होंदी है, इंटरव्यू तो डेफिनेटली मैनूं लगता है लैणगे, इदां भर्ती दे जॉइनिंग लैटर नहीं हो सकते, क्योंकि पहला भी कॉन्स्टेबल दी भर्तियां होंदियां सी जदों उदों इंटरव्यू लेंदे सीगे, हुण लगता है भी इस दे विच भी होवेगी। बाकी डॉक्यूमेंटेशन दे विच तुहाडे 10th प्लस 2 दे सर्टिफिकेट, ठीक है जी, तुहाडा वोटर आई डी कार्ड, ठीक है, तुहाडे जिहड़े मेन मेन आधार कार्ड हो गया, जिहड़े तुहाडे सर्टिफिकेट 10th प्लस रैगूलर हो या ओपन होण, बट डेफिनेटली ओरिजिनल होने चाहिए है। जे अगर कोई भी इदां दा अपना बंदा पाया जाता है जाली या किसी भी तरह के बनवाए हो, उस बंदे नू उस दे उत्ते कार्रवाई की जाएगी। जिहड़ा तुहाडा जाति सर्टिफिकेट है वह भी ओरिजिनल होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। तो सब तो मोस्ट इंपोर्टेंट जिहड़ा सर्टिफिकेट है डोमिसाइल, डोमिसाइल जिहड़ा रिहायशी सर्टिफिकेट है वह अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है जी। जिस दे आधार पर तुहानू सिलेक्शन होनी है, तुसी पंजाब दे वसनीकां नू पेल दे आधार पर तुहानू रखा जाएगा, ठीक है जी। सो यह भर्ती हजे तुहाडे कहिण दा भाव जदों अनाउंसमेंट होगी तो मैं तुहानू पेल दे आधार पर दसूँगा। इस करके कहना तुसी मेरे चैनल ना जुड़े रहो, तुहानू होर भी भर्तियां हजे दसनी है, एडवांस दे विच असी तुहानू तां जानकारी दिंदे आ ताकि तुसी तैयार रहो, ठीक है जी। एदां हुंदा भी कई बार भर्ती आ जाती है तो भर्ती जिहड़ी हैगी है उस दे विच कहिंदा वा बच्चे तैयार नहीं हुंदे, जिस करके काफ़ी बच्चों नू सिलैक्शन मिल जाती है जिहड़े कि ग्राउंडां विच रहिंदे आ 24 घंटे, कहिंदा वा अथलीट हो गए जां फिर स्पोर्ट्समैन जिहड़े होर भी हुंदे, ठीक है जी, या जिहड़े मेरे भैण भरा डेली रैगूलर दे विच अपनी जिहड़ी रूटीन वर्क दे विच स्पोर्ट्स वगैरह नाल जुड़े रहिंदे आ, मतलब कहिंदा वा रनिंग वगैरह करते रहिंदे आ, एक्सरसाइज जिम वर्कआउट करते रहेंगे, ठीक है जी। तो तीसरी जानकारी दोस्तों ये है जिहड़ी पंजाब दे विच इही अपनी होमगार्ड की भर्ती कराई जा रही है, ये जिहड़ी भर्ती है ये हजे पक्का डेफिनेटली श्योर नहीं भी इस साल ही होवे, क्योंकि इस साल तुहानू पता है अपना जिहड़ा थोड़ा जिहा क्राइटेरिया अगे नू चल रहा है। पहला आपां नूं क्या होया सी जनवरी च नोटिफिकेशन आऊगा सब इंस्पैक्टर ते कॉन्स्टेबल दा, बट वह आया फरवरी च, ते पेपर भी क्या सी इन्हां ने जून च होणगे पर जून की थां जुलाई च पेपर होए है ते अगस्त च। सो उस तरह जिहड़े ये भर्ती है इस नूं अगले साल तक मैनूं लगता कढ़िया जाएगा, क्योंकि जेल वार्डर की भर्ती दे भी आंदे हजे चांसिस हैगे है, उन्होंने वालों अनाउंसमेंट दी गई है जेल वार्डर की जिहड़ी हैगी है 750+ बच्चों नूं रख्या जाएगा, ठीक है जी। सो तैयारियां खिंच दवो, हर पासे तुहानू नवी एक चीज़ वेखण नू मिलनी है, जिन्ना चिर तुसी क्वालीफाई नहीं करोगे एग्जाम तुहानू वधिया पोस्टल ही नहीं मिलनी। तो जिहड़ी होमगार्ड की है ये तो चलो तुहाडे मिल ही जाएगी जिहड़े भैण भरा नहीं समर्थन रखते भी पढ़न दे विच, ठीक है जी। तो एक गल होर दोस्तों, जिहड़ी पंजाब दे पुलिस दे डिपार्टमेंट विच होमगार्ड की भर्ती है इस दे विच तुहानू पता है कोई प्रमोशनस नहीं होंदी, सिर्फ एक डेफिनेट पीरियड लई एक चीज़ ये कढ़ी जाती है। तो उस तो बाद एक गल होर दसूँगा दोस्तों, जिहड़ी अपने पंजाब दे सीएम भगवंत मान जी है इन्होंने हौली हौली फैसले लिते है, जिस दे जो ये फैसले कंप्लीट हो गए कहने का भाव जो ये चीज़ा पूरे अलाउम मिल गया भी मतलब हाईकोर्ट वालों भी हवलदार या कॉन्स्टेबल की जी है होमगार्ड की भर्ती कढ़ी जाए उस तो बाद ही नोटिफिकेशन आएगा। कोई इदा ना समझो भी नोटिफिकेशन सर आया नहीं, तुम गुमराह कर रहे हो, आनी जरूर है, चन्नी साहब के टाइम भी आनी सी, बट उस टाइम आपू की अपने जोड़े वो वादे कर रहे थे भी असी जो साकार बनाओ ता ही आएगी, बट इस साल तुम्हारी सरकार बनाने की तुम्हें लड़ नहीं गई, तो 4-5 साल सारिया भर्ती कराई जाएगी जिड़िया कि रह गई, हूँ नवी होर भी क्डिया जा रही ने, एक बार उम्मीद रखो, ठीक है जी। बाकी परमात्मा तुहाडे नाल है हमेशा, तुहानू जिथे दाना पानी लिखा तुसीं पहुँच जावोंगे, सारे भैन भरावां तक शेयर करियो ताकि फिजिकली अपने आप नूं कैम रख लैन ते इह भर्ती दे विच हिस्सा लैन वध तों वध। सो मिलदे अगली वीडियो, धन्नवाद ते जय हिंद।